यो गाइस, तो मेरा नाम फाइव नहीं है। तो आज की वीडियो में टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 के बारे में। सबसे पहली बात, ये सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये सीरीज मेरे नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में तो आती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ओवरऑल सीजन 3 कैसा था? बढ़िया, मस्त, मजेदार। मेरे ख्याल से ये तीसरा सीजन साल डेढ़ साल बाद आ रहा है सीजन 2 के बाद, पर इवन इतने टाइम के आने के बाद भी ये सीरीज की जो क्वालिटी है वो डल नहीं होती। जब तीसरा सीजन देखने बैठा था, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि एक या डेढ़ साल के बाद आ रहा है ये, क्योंकि जो गुड वाइब्स, हैप्पी वाली वाइब्स थी जो पहले दो सीजन में थी, वैसे ही ये तीसरे सीजन का पहला एपिसोड चालू होता है। अगर ये सीजन के बारे में बात चालू करूँ तो सबसे पहले स्टोरी, तो ये सीजन की स्टोरी भी पहले दो सीजन की तरह पूरी तरह सेम है। दुनिया फिर से खत्म हो रही है और जो 7 अम्ब्रेला एकेडमी वाले मेंबर है वो उसे बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, उसी के अराउंड ही वापस स्टोरी चलती है जैसे पहले दो सीजन में चल रही थी। हालांकि ये सीजन में डिफरेंस इतना है कि नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कि मेरे को खराब नहीं लगा। भले ही स्टोरी सेम हो पहले दो सीजन की तरह, पर देखने में मजा आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेंजर थिंग ले लो, उसके जो पहले 3 सीजन है अगर आप सोचने जाओ तो स्टोरी पूरी तरह सेम है, पर फिर भी देखते मजा आती है ना। वही सेम फॉर्मूला और सेम चीज़ इसमें भी है। भले ही स्टोरी सेम है पर बहुत मजा आती है देखने में। जिन बालकों को अम्ब्रेला एकेडमी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए थोड़ा साइनोप्सिस बता देता हूँ। तो इस सीरीज की दुनिया जहाँ पे 7 लोगों का भाई बहन का ग्रुप होता है जिनमें अलग अलग सुपर पावर होती है। सुपर हीरो लोग क्या करते हैं वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को ये पावर कैसे मिली या फिर वो भाई बहन बने कैसे, असल में वो भाई बहन होते नहीं है, ये सब आप सीरीज देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, पर बहुत यूनिक स्टोरी है, मतलब सोची भी नहीं होगी आपने ऐसे। सीरीज में टाइम ट्रैवलिंग और साइंस फिक्शन का भी बहुत बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस है, तो जिनको वो जॉनरा पसंद है तो उनको भी चेकआउट करनी चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ अच्छी और बुरी बातों। और हाँ, ये सब जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ वो सीजन 3 की है, मैं ओवरऑल सीरीज की बात नहीं कर। तो पहले चालू करते हैं अच्छी बातों से। सबसे पहली चीज़, वाइब। सीरीज की वाइब बहुत ही ज़्यादा कोजी, वार्म, एकदम अच्छी है। मतलब जैसे मार्वल की जो कलरफुल मूवीज होती है ना, सेम वैसे ही सीरीज पूरी तरह कलरफुल है, एकदम लाइट कलर है, लाइट हार्टेड है, कॉमेडी है। सिंपल भाषा में बताना तो एकदम, स्पेशली 8वां एपिसोड, मतलब उस एपिसोड में लिटरली दुनिया ख़त्म हो रही है, बाहर दिख रहा है कि दुनिया ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और ये लोग यहाँ पे शादी कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो शादी देख के मज़ा आती है। क्यों? क्योंकि वाइब अच्छी है। वो एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट है ये सीज़न का, आपका कौन सा है कमेंट में बताना। दूसरी चीज़, सीरीज़ की पेसिंग। मतलब ये सीज़न में भी 10 एपिसोड है, 40 से 50 मिनट है सबके, पर आपको कहीं पे भी बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। पहले ही एपिसोड से जो पेसिंग स्टार्ट होती है वैसे के वैसे ही पूरे सीज़न में चलती रहती है, क्योंकि अच्छा लगा। और तीसरी चीज़, हिंदी डबिंग। वैसे तो देखो, मैं जितनी भी सीरीज या मूवीज़ देखता हूँ उसकी ओरिजिनल ऑडियो में ही देखता हूँ, यानी इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही देखता हूँ। और अगर मैं रिकमेंड करूँ भी तो कोई भी चीज़ अगर आप देखो ना तो उसकी ओरिजिनल ऑडियो में ही देखो, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही देखो, ज़्यादा मज़ा आएगी। पर ये सीरीज़ में एक्सेप्शन है, इसकी हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया थी, इसके सब कैरेक्टर्स पे जो वॉइस है वो एकदम सूट करती है। पहले दो सीज़न की भी एकदम बढ़िया थी, ये सीज़न की भी बढ़िया थी, और मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने कंटिन्यू किया, डब एक्टर्स चेंज नहीं किए, तो हिंदी में देखना ज़्यादा मज़ा आएगी। अब आ जाते ख़राब चीज़ों में, और ये सीज़न में मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब लगी, कि कुछ चीज़ें फोर्स्ड लग रही थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक कैरेक्टर है जिसको आपने पहले दो सीज़न में देखा हो, उसका नेचर एकदम शांत, अच्छा और बढ़िया है, और वो चीज़ इन्होंने पूरी तरह चेंज कर दी ये सीज़न में। सीरीज़ में उन लोगों ने कारण दिया हो कि उसका नेचर ऐसे क्यों चेंज हो गया, पर फिर भी वो चीज़ मेरे को फोर्स्ड लगी। मतलब वो ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं, आप पहले दो सीज़न में देखो और उसको ये देखो, आप लगता ही नहीं है। वो चीज़ मेरे को ख़राब लगी, मतलब उन्होंने उनको स्टोरी के लिए उनको कुछ भी करना था, पर ये तो फोर्स्ड लग रहा था। और बाकी अगर मैं सोचने जाऊँ तो कोई ख़राब चीज़ लगी नहीं। हाँ, है लूप होल्स और प्लॉट होल्स है, अगर आप दिमाग लगाने जाओ तो कुछ कुछ सवाल रह जाएंगे, पर वो सब तो चलता है। अभी कौन सी मूवी और सीरीज़ में प्लॉट होल्स नहीं होते? मेन चीज़ है कि कोई चीज़ आप देख रहे हो तो आपको मज़ा दे के जानी चाहिए, और ये चीज़ वो काम करती है। तो वीडियो की यही समाप्ति करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो, और अगर आपने सीज़न 3 ऑलरेडी देख लिया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको। इस टाइम पे मनी हाइस्ट जॉइंट इकोनॉमिक कोरियन वर्जन आ चुका है और मैंने वो देखना चालू कर दिया, तो उसके ऊपर भी रिव्यू आने वाला है। अगर आपको वो रिव्यू देखना हो तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, 200 के बहुत करीब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। Even when I'm facing down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide.